क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट और आज हम सीखेंगे रिड्यूस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा कंपाइलर पहले से ही ऑन है। रिड्यूस मेथड एक एरे मेथड है और इसका सिंटेक्स हम जान लेते हैं। डॉट रिड्यूस और ये दो पैरामीटर लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरी कोई वैल्यू। ये इसका सिंटेक्स है। चूंकि ये एक एरे मेथड है तो इसके लिए हमें एक एरे की जरूरत है, तो हम एक एरे बना लेते हैं। लेट एरे 5, 10, 15, 20। अब इस पे हम रिड्यूस मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से वर्क करता है। तो हम इस पे रिड्यूस मेथड लगाते हैं डॉट रिड्यूस और इससे एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं और एक वैल्यू पास करते हैं। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर 100 तक या कोई भी जो आप चाहें। चूंकि रिड्यूस मेथड कुछ रिटर्न भी करता है वैल्यू, तो उसे हम एक वेरिएबल में गेट करते हैं, लेट रिस्पॉन्स। और ये जो कॉल बैक फंक्शन हमने इससे रिड्यूस को पास किया है, ये कॉल बैक फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है। वो पैरामीटर क्या क्या है, उसमें क्या डेटा आता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिलहाल मैं इसमें दो पैरामीटर ले रहा हूं, एक टोटल नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, दूसरा करंट एलिमेंट। ये टोटल क्या है, टोटल पैरामीटर, ये जो हमने जीरो लिखा है इनिशियल वैल्यू, एक्चुअली ये इसके फर्स्ट पैरामीटर की इनिशियल वैल्यू कहलाती है, जिसका नाम फिलहाल मैंने टोटल रखा है। ठीक है, मैं इसको फिलहाल जूम आउट कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए चीजें। ये जो जीरो है ये इनिशियल वैल्यू है पहले पैरामीटर की, जिसका नाम मैंने टोटल रखा है। और करंट एलिमेंट ये एरे है, इसके अंदर जो है ये एलिमेंट है एरे के। तो जब लूप चलेगा तो फर्स्ट लूप के ऊपर करंट एलिमेंट 5 होगा, सेकेंड लूप पे 10 होगा और थर्ड पे 15 और फिर 20। ये एलिमेंट इसके करंट एलिमेंट है जो कि हमें करंट एलिमेंट के पैरामीटर में मिलेंगे। तो हम कुछ नहीं करते, हम रिटर्न करते हैं और सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, हम कहते हैं कि टोटल, टोटल क्या है, ये जीरो, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है जीरो, टोटल में प्लस कर दें करंट एलिमेंट। तो हर बार लूप के अंदर, हर बार जब लूप चलेगा तो टोटल के अंदर करंट एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। और हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं और अपने रिस्पॉन्स को चेक करते हैं क्या हुआ। नोड एट, हमें 50 वैल्यू मिली। कैसे 50 वैल्यू मिली ये हम यहां पे देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग बैकटेक टोटल, और टोटल को हम यहां पे देख लेते हैं यहां क्या हमें मिल रहा है टोटल में, और प्लस करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट में हमें, करंट एलिमेंट को गेट कर लेते हैं, सेव करते हैं और दोबारा से अपना रिड्यूस मेथड चलाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ये देखें, हमें जब पहली बार लूप चला तो टोटल की वैल्यू थी जीरो, इनिशियल वैल्यू हमने यहां पे दे दी थी इसकी जीरो। ठीक है, और करंट एलिमेंट फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो इसे करंट एलिमेंट 5 था, तो 5 और 0 प्लस हो गए, क्योंकि हमने यहां पे कहा है कि टोटल और करंट एलिमेंट को प्लस कर दें हर बार जब लूप चले। तो पहले लूप पे 5 और 0 प्लस हो गए तो टोटल की वैल्यू 5 हो गई। जब दूसरी बार लूप चला तो करंट एलिमेंट 10 था और टोटल 5 था, तो ये दोनों प्लस हो गए। तीसरी बार लूप पे टोटल 15 उसकी वैल्यू थी, क्योंकि ये 5 और 10 प्लस हो गए 15 हो गया था, तो तीसरे लूप पे 15 प्लस 15 हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीसरे लूप पे वैल्यू 15 मिल रही थी। और जब चौथी बार लूप चला तो 15 प्लस 15 टोटल हो गया 30 और करंट एलिमेंट उस वक्त था 20, वो हमें करंट एलिमेंट में मिल गया और ये प्लस हुआ, तो 30 प्लस 20 50 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू को हम कर देते हैं 100, हम सेव करते हैं और दोबारा अपना लूप चलाते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही है।
अब देखें हमें 150 मिली, क्यों मिली? क्योंकि इनिशियल वैल्यू टोटल की है 100 और करंट एलिमेंट की है 5, तो वही है हर लूप के ऊपर करंट एलिमेंट टोटल की वैल्यू के अंदर प्लस हो जाता है और एंड में हमें वैल्यू मिलती है 150। फॉर एग्जांपल हम इनिशियल वैल्यू नहीं देते हैं और सेव करते हैं और दोबारा लूप चलाते हैं, हमें क्या मिलता है? अब क्या हुआ है, टोटल की करंट वैल्यू 5 है और करंट एलिमेंट की 10 है, तो इस बार लूप ने क्या किया, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो फर्स्ट एलिमेंट उसने टोटल की वैल्यू एज्यूम कर लिया और फिर लूप चलाया 10 से और इसी तरह तो प्लस करते हुए हमें 50 वैल्यू मिल गई। क्लियर है यहां तक? हम दोबारा इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0। इनिशियल वैल्यू देना इसलिए जरूरी है, उसको हम आगे बताएंगे कि क्यों जरूरी है। फिलहाल हम देखते हैं कि हमें आगे एक और पैरामीटर लिखते हैं इंडेक्स, हमें इंडेक्स में क्या गेट हो रहा है। हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं इंडेक्स और इंडेक्स में हम इंडेक्स पास कर देते हैं और देखते हैं हमें यहां पे क्या मिलता है। इंडेक्स में हमें, इसे मैं जरा सा कमेंट कर देता हूं, सेव करते हैं। इंडेक्स में हमें एरे के करंट एलिमेंट के इंडेक्सेस रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। चौथा जो पैरामीटर है वो है रेफरेंस एरे, रेफरेंस एरे, तो इसे भी जान लेते हैं कि इसमें क्या हमें रिसीव हो रहा है। रेफरेंस एरे सेव करते हैं और अपना लूप चलाते हैं दोबारा। रेफरेंस एरे में हमें वो एरे मिल रही है हर बार लूप के ऊपर जिसके ऊपर रिड्यूस मेथड चल रहा है, ठीक है। आमतौर पे इंडेक्स और रेफरेंस एरे बहुत कम यूज होते हैं या ना यूज होने के बराबर हैं, आमतौर पे ये दो एलिमेंट ही यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, यहां तक आपको क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल हम इनिशियल वैल्यू नहीं देते या इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं फिलहाल और एरे को ब्लैंक कर देते हैं, मतलब एम्प्टी एरे कर देते हैं, सेव करते हैं, अपना लूप चलाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें सिर्फ जीरो मिला। क्यों जीरो मिला? क्योंकि यहां पे सिर्फ टोटल की वैल्यू है और करंट एलिमेंट में कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न सिर्फ जीरो हुआ। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ये जीरो भी मिटा देते हैं और सेव करते हैं। हमारा कोड क्रैश हो गया, इसलिए इनिशियल वैल्यू देना जरूरी है ताकि हमारा कोड क्रैश ना हो। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि रिड्यूस की इनिशियल वैल्यू दी जाए। तो इसको जरा सा समराइज कर देते हैं और हम अपनी एरे को दोबारा ले आते हैं 5, 10, 15, 20, सेव करते हैं और इसको समराइज करते हैं कि रिड्यूस मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करता है और ये चार पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में जो हम पहले पैरामीटर में हमने टोटल लिखा है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने जीरो दे दी और कह दिया कि रिटर्न करें टोटल प्लस करंट एलिमेंट, तो जितनी बार लूप चलेगा टोटल के अंदर करंट एलिमेंट प्लस होते जाएंगे और वही वैल्यू हमें रिटर्न हो जाती है जो 50 है, ये रही जो 50 है। और अगर हम इनिशियल वैल्यू 100 कर देते हैं तो फिर हमें 150 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिड्यूस भी एक एरे मेथड था। इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ना समझ में आए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें और कोई भी सवाल हो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।